में उत्तराखंड की 13 छात्र यूक्रेन से वापस लौटे, अब तक 53 की हो चुकी है घर वापसी। यूक्रेन से लौटे उत्तराखंडियों को निःशुल्क घर पहुंचाएगी सरकार, आयुक्त कार्यालय को व्यवस्था करने के निर्देश, बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप। हरीश रावत ने लालकुआ सीट पर पोस्टल बैलेट को लेकर उठाए सवाल, भाजपा ने कहा नतीजों से पहले ही कांग्रेस हताश। मुख्यमंत्री कार्यालय में आग लगने से मचा हड़कंप, सचिवालय सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू, मुख्य सचिव ने दिए जांच के आदेश। रोडवेज कर्मियों ने किया प्रदर्शन, 2 माह के वेतन को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन, वेतन जल्द न देने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। मौसम विभाग ने एक बार फिर किया अलर्ट, पश्चिम विक्षोभ के बाद एक बार सक्रिय होने की संभावना, गढ़वाल के जिलों में गरज के साथ होगी बारिश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है आपका, मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले देहरादून से खबर आ रही है, भाजपा संगठन ने शुरू की है हेल्प डेस्क, यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड वासियों के लिए शुरू हुई हेल्प डेस्क। देहरादून से खबर, भाजपा संगठन ने शुरू की हेल्प डेस्क, यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड वासियों के लिए शुरू हुई हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क से बच्चों की जानकारी ले और दे सकते हैं परिवार। हेल्प डेस्क से बच्चों की जानकारी ले और दे सकते हैं परिवार। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड वासियों से संपर्क में मदद करेगी हेल्प डेस्क। जिलेवार अध्यक्ष, 2 संयोजकों को दी गई है जिम्मेवारी। जिलेवार अध्यक्ष, 2 संयोजकों को दी गई है जिम्मेवारी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल को दी गई जिम्मेदारी। ऑपरेशन गंगा के तहत बनाई गई हेल्प डेस्क, ऑपरेशन गंगा के तहत बनाई गई हेल्प डेस्क, हेल्प डेस्क के अध्यक्षों संयोजकों का मोबाइल नंबर जारी। हेल्प डेस्क के अध्यक्ष को और संयोजकों का मोबाइल नंबर जारी। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से आप परिवारों की और छात्रों की जानकारी ले और दे सकते हैं। और इसके बाद अगली खबर भी देहरादून से है, स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता, एसटीएफ व साइबर पुलिस की दिल्ली एनसीआर में रेड। स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता, एसटीएफ व साइबर पुलिस की दिल्ली एनसीआर में रेड। नैनीताल के 19 लाख के साइबर धोखाधड़ी का मामला, नैनीताल की 19 लाख की साइबर धोखाधड़ी का मामला, पश्चिम बंगाल के 2 अभियुक्त गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल के 2 अभियुक्त गिरफ्तार। स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता, एसटीएफ व साइबर पुलिस की दिल्ली एनसीआर में रेड। नाइजीरियन गिरोह से जुड़े होने के मिले प्रमाण, नाइजीरियन गिरोह से जुड़े होने के मिले प्रमाण। 25 एटीएम, 114 बैंक अकाउंट्स की पासबुक व चेकबुक बरामद। देहरादून से बड़ी खबर, स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता। अगली खबर भी देहरादून से, मौसम विभाग ने एक बार फिर जारी किया अलर्ट, मौसम के मिजाज में परिवर्तन की भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने एक बार फिर जारी किया अलर्ट, मौसम के मिजाज में परिवर्तन की भविष्यवाणी। पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना, पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना। गढ़वाल के जिलों में गरज के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने एक बार फिर जारी किया अलर्ट, मौसम के मिजाज में परिवर्तन की भविष्यवाणी। पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय होने की आशंका, कुमाऊं के भी कई जिलों में होगी बारिश। कुमाऊं के भी जिलों में गरज के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट,
और अब बात करेंगे खटीमा की। भारत नेपाल सीमा पर ट्रक बस की टक्कर, दोनों की भिड़ंत के बीच चपेट में आई कार, चार लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं। वहीं पुलिस की मदद से स्वास्थ्य केंद्र में तमाम घायलों को भर्ती कराया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बस और ट्रक की टक्कर में कार भी बीच में आई है, इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। भारत नेपाल सीमा पर ट्रक और बस की टक्कर, दोनों की भिड़ंत के बीच चपेट में आई कार, चार लोग गंभीर रूप से हुए घायल। चंपावत जनपद के बनबसा का मामला, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भीषण हादसा बस और ट्रक की टक्कर में हुआ है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बीच में कार भी चपेट में आई है, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। अगली खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आग लगी। बता दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते एसी में आग लगी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद अपर मुख्य सचिव, फिलहाल सचिवालय सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी के लिए एनएसयूआई ने दून में प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने केंद्र सरकार पर पर्याप्त मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। गांधी पार्क के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, बंकरों में खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। भारत सरकार की मदद शांति इलाकों तक पहुंच रही है। युद्धग्रस्त क्षेत्र में मदद के लिए छात्र गुहार लगा रहे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि यूक्रेन में करीब 20,000 छात्र फंसे हैं, लेकिन अभी तक 3,000 छात्र भी वापस नहीं लौटे। सरकार अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाते हुए छात्रों को वापस लाए। जो छात्र वापस आ गए हैं, उनके आगे पढ़ाई के लिए कोई नीति बनाए, क्योंकि उनका भविष्य अब अंधकार में है। सरकार से यही मांग करते हैं कि जो छात्र वहाँ पर, जिनकी पढ़ाई अब अधूरी रह चुकी है और वहाँ पर अब स्थिति नहीं है कि छात्र दोबारा जा पाए, उनको लेकर भी केंद्र सरकार कुछ सोचे और ये भी कोई योजना तैयार करे, ताकि उन छात्रों की जो अटकी हुई पढ़ाई है वो पूर्ण हो सके और जो भारतीय छात्र हैं उन्हें, उनके परिवारों ने जो वहाँ पर उनके लिए सपने देखे हैं, वो उसको पूरा करने में कामयाब हों। आपने देखा होगा यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और हजारों की संख्या में भारतीय छात्र जो वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए हुए थे वो आज फंसे हुए हैं। सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हम छात्रों को निकाल रहे हैं, लेकिन जहां 20,000 से अधिक छात्र वहां पर फंसे हुए, सरकार केवल 2,000 बच्चों को अभी तक निकाल पाई है और हजारों की संख्या में छात्र आज भी बॉर्डर पर खड़े हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि दूर दराज क्षेत्रों में बैलेट पेपर समय पर मतदाताओं तक नहीं पहुंच रहे, जिसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। वहीं अब इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविन्द्र जुगरान ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत अब बहक चुके हैं और उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने बैलेट पेपर को लेकर ट्वीट किया था और अब फिर हरीश रावत मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जी कि अब कोई भी बयान या वो जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं अब वो महत्वहीन होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन उनके बयानों का स्तर भी गिरता जा रहा है और उनके ऊपर मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी हावी हो चुकी है कि सोते जागते सपने में भी वो अंतरिक्ष में हैं, पाताल में हैं या धरती पर, तो वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनको केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है। जब आदमी इतना लालायित होता है, उस पर कोई चीज हावी हो जाती है, तो फिर वो जो है वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है। हरीश रावत जी, ऐसा उनको उनके बयानों से प्रतीत हो रहा है कि वो नित नए दिन, कभी मुंडन पेंशन, कभी घसियारी पेंशन, कभी ब्राह्मण आयोग, कभी गंधर्वों के लिए, कभी जो है किसी ना किसी के लिए, कभी वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बना तो घर बैठ जाऊंगा। उनके बयानों में अब जो है संजीदगी, वजन जो है खत्म होता जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी।
सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का। बीते दिनों ऋषिकेश एम्स कर्मचारी भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला काफी सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब यूकेडी के द्वारा वन अनुसंधान संस्थान में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। इसी को लेकर जब भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविन्द्र जुगरान से पूछा गया तो उनका साफ कहना था कि तथ्यों के आधार पर बात करे यूकेडी, वरना आरोप तो कोई लगा सकता है। तथ्य होने चाहिए उसमें। ऐसा है कि एक कागज लेके करप्शन के आरोप लगा देने से करप्शन ना तो हुआ है यह सिद्ध होता है, गंभीरता होनी चाहिए। अब जिन्होंने भी ये आरोप लगाए हैं, आज अखबार में आ गया, क्या करने वाले हो कल या परसों इन सब चीजों को लेके? अगर आदमी के पास तथ्य होंगे, पूरी जानकारी होगी, वास्तविकता होगी तो, या गंभीरता होगी तो वो लगातार इसको परस्यू करेगा। एक बयान देने के बाद से अब आप खुद ये मॉनिटर करना कि उनका अगला कदम क्या होने वाला। इसलिए संजीदगी से किसी चीज को उठाना चाहिए और जब तक उसके परिणाम ना आ जाएं तब तक उसके पीछे पड़े रहना चाहिए। गुरुवार को कांग्रेस ने एक बार फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है। कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए कि पार्टी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, क्योंकि चुनाव के दौरान एक अखबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साक्षात्कार को प्रकाशित करवाया। कांग्रेस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द कार्रवाई करने की मांग दी गई है। चुनाव आचार संहिता लागू है और उत्तर प्रदेश में आज कुछ विधानसभाओं में मतदान भी हो रहा है। ऐसे में आज के प्रधानमंत्री जी ने अपने फोटो के साथ पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने पर लगा करके जिस तरह से एक अखबार में दो पेज का लंबा साक्षात्कार दिया, वो प्रथम दृष्टया हमें लगा कि पेड न्यूज है और ये मतदाता को प्रभावित करने वाली है। तो ऐसे में हमने तुरंत इसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग को आज अपने जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनके माध्यम से की, लिखित शिकायत दी और उनसे ये कहा कि इस पर तुरंत जो है कि आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई करने का कष्ट करें। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। आजमगढ़ का जो चक्रव्यूह था समाजवादी पार्टी का, इस बार वो भी भेदा जाएगा? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, जीत 300 से ज्यादा सीटों पर होगी। सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर के भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के बूथों पे आजकल भूत नाच रहा है। भूत तो उनके दिमाग में इस समय नाच रहा है, क्योंकि भूत पूर हो गए हैं ना, भूत 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 ही रहेंगे और वह कभी अब वर्तमान नहीं हो पाएंगे। अब इस कहिए कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के सल्तनत के आखिरी सुल्तान के रूप में 2012 से 2017 तक उन्होंने शासन कर लिया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। यूक्रेन रूस युद्ध में छात्रों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक विवादित बयान दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि
विदेश में पढ़ाई करने वाले 90% मेडिकल स्टूडेंट नीट एग्जाम पास नहीं कर पाते। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अभी इस मुद्दे पर बहस करने का सही वक्त नहीं है। युद्धग्रस्त शहर खारकीव में एक भारतीय छात्र की मौत के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। जोशी का यह बयान ऐसे वक्त आया जब यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और उन्हें वापस लाने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है, लेकिन उनके बयान से राजनीति में घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि देश के बच्चों को मजबूरन विदेश जाकर पढ़ना पड़ता है, भाजपा को जनता की कोई चिंता नहीं है। के नेताओं का बयान बड़ा दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री इस बात को कहे, वही लड़का जो कम नंबरों में यूक्रेन से पढ़कर आएगा वो मेडिकल की प्रैक्टिस तो कर लेगा, सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा उसके पास है, वो तो अलाउड हो जाएगा। यहाँ तुम एग्जाम की बात करते हो, हमारे उत्तराखंड के हमारे देश के बच्चे बाहर जा रहे, अरे वहाँ 1/4 वहाँ 25 लाख मोरा तुम 1.25 करोड़ ले रहे हो फीस, कौन बर्दाश्त करेगा? हम डेवलपिंग स्टेट हैं, हम विकासशील देश हैं, हम विकसित नहीं हैं। इसके उस परंपरा में सरकार को सोचना चाहिए ना। उत्तराखंड क्रांति दल के मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एम्स ऋषिकेश में राजस्थान के लोगों की बंपर भर्तियां की गई थी और अब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में हरियाणा के लोगों की बंपर भर्तियां की गई हैं। हम कहां हैं? उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र देकर जांच करने की मांग की गई ताकि उत्तराखंड के मूल निवासियों को नौकरी से वंचित ना होना पड़े और काबिल लोगों को मौका मिले। इसको लेकर के पहले भी मुन्ना भाई भर्ती करते हुए पकड़े गए थे, परीक्षा देते हुए उनको गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद एक आध और शिकायती पत्र वहां पर FRI में दिए गए हैं कि भाई फलाने व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति ने परीक्षा दी है, लेकिन उन शिकायती पत्रों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब अभी ग्रुप सी का रिजल्ट आया है तो 86 पदों पर ये भर्तियां आई हैं ग्रुप सी के पदों पर, जिसमें से जो सेकेंड नंबर पर सन्नी चौटाला है ये FRI में टाइपिस्ट के पद पर कार्यरत प्रीति चौटाला के रिलेटिव है। तो हमारा ये सवाल है कि प्रीति चौटाला टाइपिस्ट है, उसी संस्थान में ये पत्र टाइप क्वेश्चन पेपर टाइप हुए, और उसी संस्थान की टाइपिस्ट का अगर भाई जो है सनी चौटाला अगर मेरिट में सेकंड नंबर आता है तो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन स्काई 247, एनीवेयर एनी टाइम, 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का साथी। गुरुवार को देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार यूक्रेन में फंसे छात्र के परिजनों से उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और PMO कार्यालय जनपद और राज्य के विद्यार्थी लोगों को घर वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें सकुशल घर वापस लाया जा सके। वहीं जिलाधिकारी ने परिजनों को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने हेल्प डेस्क भी बनाई है जिससे आप अपने बच्चों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कारगी चौक में निवासरत विनायक थपलियाल एवं अस्मिता थपलियाल के परिजनों से आज मैंने भेंट की और उनको आश्वस्त में हमने किया कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी और भारत सरकार की ओर से भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं उनको वापस ले आने के लिए। टोटली हमारे उत्तराखंड से खासकर जनपद देहरादून से लगभग 65 बच्चे थे जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे और उनमें से लगभग 24 वापस आ चुके हैं और 41 जो है वो वहीं पे हैं। और लेकिन हमारे डिज़ास्टर कंट्रोल रूम जो हमारा बेसिक कंट्रोल रूम है तो उनके माध्यम
माध्यम से सभी जितने भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, जितने भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, फंसे हुए हैं, उन सबसे हम लोग टच में हैं। यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लक्सर क्षेत्र के 4 छात्र यूक्रेन रूस के बीच युद्ध शुरू होने के बाद वहां से फंसे हुए हैं। वही परिजन इन बच्चों की सलामती को लेकर चिंतित हैं। एसडीएम लक्सर वैभव गुप्ता ने एक एक करके चारों बच्चों के घर पर उनके परिजनों से मुलाकात की। परिजनों ने कहा कि यूक्रेन में उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है, सरकार जल्द से जल्द उन्हें वापस बुलाने का इंतजाम करे। क्षेत्र के 4 ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में गए हुए हैं। आज ही संबंध में उनके घर पर जाकर उनसे उनके परिवार वालों से वार्ता हुई। इनमें से एक छात्र सीधड़ू, एक लक्सर, एक गोर्धनपुर और एक कोड़ा से है। तो उनको इस संबंध में अवगत करा दिया गया है कि जो उनके सभी छात्र जो हैं अब यूक्रेन से बाहर निकल गए हैं और बॉर्डर स्टेट में, बॉर्डर के राष्ट्र में पहुँच गए हैं और अब उनके वहाँ से भारत वापसी के लिए सभी प्रबंध जो हैं केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा भी हर संभव प्रयास करके उनको शीघ्र ही अपने घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और इस वार्ता के बाद जो सभी परिवारजन जो हैं वो संतुष्ट हैं। रुद्रप्रयाग में फायर सीजन के दौरान धधकते जंगलों के कारण वन संपदा को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख जाते हैं और पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में वन प्रभाग के जंगलों को आग से बचाने के लिए फॉरेस्ट फायर रुद्रप्रयाग ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए वनों को आग से बचाया जा सकेगा। वन अग्नि नियंत्रण के लिए तकनीकी का प्रयोग करने वाला रुद्रप्रयाग वन प्रभाग प्रदेश में पहला प्रभाग है। आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI से भी लिंक किया गया है। प्रभाग की सभी 7 रेंजों की गूगल मैपिंग करने के साथ ही साथ वन कर्मियों के मोबाइल भी ऐप से जोड़े जा रहे हैं। किस प्रकार से जंगल झुलस रहे हैं, सरकार जल्द से जल्द फायर के प्रति जागरूकता और प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों के द्वारा पिछले वर्ष फॉरेस्ट फायर रुद्रप्रयाग ऐप का निर्माण किया गया था और इस साल उसी ऐप को और उसी सिस्टम को हमारे द्वारा थोड़ा अपग्रेड किया गया है और व्यापक स्तर पर गांवों में गोष्ठियां की जा रही हैं हमारे संबंधित फील्ड स्टाफ द्वारा और ग्रामीणों को अधिक से अधिक संख्या में ऐप को जो है इंस्टॉल कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से अगर कहीं भी अग्नि लगती है या घटना होती है तो जियो टैग्ड फोटो खींचकर कोई भी नागरिक जो है उसकी सूचना सीधे हमारे मास्टर कंट्रोल रूम को भेज सकता है। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे की न्यूज, खबरों का सारथी। पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ महेश चंद्र जोशी ने बैरीनाग थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मालखाना, हथियारों का निरीक्षण, अभिलेखों का निरीक्षण, थाना परिसर निरीक्षण और हथियारों को सही तरीके से रखरखाव करने के आदेश पुलिस कर्मियों को दिए गए। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक महेश चंद्र जोशी ने व्यापारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, उनकी समस्या को सुना और कहा कि क्षेत्र में स्मैक और अन्य नशे का व्यापार करने वालों की सूचना गोपनीय रूप से देने की अपील की। वर्ष में 2 बार अर्धवार्षिक निरीक्षण होते हैं, उसी उपलक्ष में यहाँ पर मैं आज आया हूँ। मैंने थाने का निरीक्षण किया है, यहाँ की जो कर्मचारीगण हैं इनकी क्या समस्याएं हैं, यहाँ पर किन चीज़ों की इनको आवश्यकता है और थाने का अर्ध एक 6 महीने में क्या अपराध की क्या स्थिति है, कौन से अपराध बढ़े हैं और पुलिस के द्वारा जनता से किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है और जो ये जो आजकल ड्रग्स आदि नशीले पदार्थों की जो प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं उनके कंट्रोल के लिए पुलिस क्या कर रही है और थाने में जो असले हैं और जो सरकारी संपत्ति है इसका वर्ष में 2 बार क्षेत्राधिकारी की तरफ से मुआयना किया जाता है। सीमांत खटीमा में वार्षिक वसूली को लेकर विद्युत विभाग को दिए गए लक्ष्य को लेकर विभाग वसूली अलर्ट हो गया है। अधीक्षण अभियंता पवन उप्रेती ने बताया कि खटीमा क्षेत्र में बिजली बिल का बकाया वसूली को लेकर सभी कर्मचारियों को ड्यूटी दी गई है। इस बार ज्यादा से ज्यादा राजस्व को बढ़ाकर वसूली अभियान जारी रखा है।
फरवरी का टारगेट था वो हमें हेडक्वार्टर से 16.5 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष 14.40 करोड़ रुपये का हमने खटीमा खंड से अपना टारगेट पूरा कर लिया है, और शेष जो भी हमारा मार्च का जो टारगेट होगा और जो पिछला बैकलॉग बचा हुआ है वो इस माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। सर, सरकारी अगर विभाग की अगर बात करें तो कितना बकाया है उन पर, उनको उनकी वसूली को लेकर विभाग क्या कर रहा है? सरकारी विभागों को उन पर बिल निर्गत कर दिए गए हैं और उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनको भी सूचना दे दी गई है, तो उनका भी अब शासनिक स्तर से पैसा जमा हो जाएगा। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश में छुट्टा जानवर एक समस्या बन गए हैं।